पूजा को लेकर बोकारो के अलग अलग इलाकों में भक्तिमय माहौल हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और यहाँ हम अभी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जहाँ की लोक आस्था का ये महापर्व दुर्गा पूजा मनाने के लिए कई लोग जुटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ आपको बताऊँ मैं कि कलश स्थापना की प्रक्रिया अभी फिलहाल पूरी हो चुकी है और यहाँ भी छोटे पंडाल बनाए जा रहे हैं, जैसे कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार तय किया गया है। हमें बताएं कि इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते क्या अंतर हो गया है दुर्गा पूजा में? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी माता का पूजा कोऑपरेटिव में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और पिछले साल भी जो कोरोना गाइडेंस थी वो इस साल भी कंटिन्यू है। तो कुछ भी वैसा बड़ा सा पंडाल या बड़ी सी माँ की प्रतिमा कुछ भी होने नहीं जा रही है। एक पूजा है, इसको गवर्नमेंट ने जिस तरह से ऑर्डर किया है उस तरह से हम लोगों ने फॉलो करके इसको एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाकी जो भी गाइडलाइंस कोरोना की रहेगी वो हम लोग फॉलो करेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे। क्या अभी यहाँ पे गाइडलाइंस, आप रूल्स जो लोगों के लिए हैं, जो पंडाल के मेंबर्स के लिए अभी क्या है? देखिए, पंडाल के मेंबर्स हैं चाहे वॉलंटियर्स हैं, जो भी हैं, उनकी रूल्स ये कि पंडाल के अंदर जिस दिन से सप्तमी से पूजा स्टार्ट हो जाएगा तो उस दिन से मोस्ट प्रॉब्ली सारे मेंबर्स जो हैं मास्क के साथ रहेंगे, आई कार्ड के साथ रहेंगे, कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो किया जाएगा। मतलब कि जितना भी एक ह्यूमन नेचर कर सके, जो ह्यूमन बींग कर सके, उतना हम लोग कोशिश करेंगे एक एक अच्छे से पूजा भी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो भी हो जाए, गवर्नमेंट की बातें भी रह जाएं और लोग भी सेफ रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी तो लोगों को सेफ रखना ही है। पंडित जी, आप अभी पूजा करा रहे थे, हमें बताइए कि जो आज प्रथम दिन है इसका क्या महत्व होता है हिंदू ऋतु के अनुसार? इस वर्ष ये सनातन धर्म में इस शरद नवरात्रि, वैसे तो चार नवरात्रि होते हैं, सबसे प्रधानता शरद नवरात्रि का होता है। इसमें नवरात्रा कहा जाता है, जिसमें आज माता का प्रथम शैलपुत्री के स्वरूप का आज प्रथम पूजन होता है, जिसमें कलश प्रथम दिन से कलश पर इनका पूजा किया जाता है और सप्तमी के रोज प्रतिमा सहित कलश पर पूजन किया जाता है। नवरों का 9 दिन में हम लोग पूजा करते हैं, यह इनकी बहुत अच्छी महत्व है। जानना चाहूंगी कि इस बार जो चल रहा है कोरोना महामारी, इसमें क्या लोगों की आस्था आपको कम देखने को मिल रही है? थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं हो रहा, पूजा हो रहा है, अच्छा से हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि थोड़ी सी आस्था में कमी देखने को मिल रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पूजा लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, भक्तिमय होकर कर रहे हैं, आस्था पूर्वक कर रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।